वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन साखियां, धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले, पुस्तक पूर्ण सोई सा लड़ीवार। हुआ गुरु जी नो भजन करने, हुआ गुरु जी बाबा जी दे छोटे भैन जी सन। उपर दस के आए हाँ के देश की वंड समय हुई हिंसा तो बचा करते हुए भूआ गुरु जी ते फुफड़ स्वरूप सिंह जी बाबा जी दे कोल पिंड काले विखे आके रहन लग पे सन। भूआ जी होरी तकरीबन 5-6 साल इत्थे ही रहे, फिर फुफड़ स्वरूप सिंह होरा ने राजा सांसी विखे घर बना लिया। बाबा जी परमेश्वर के नाम सिमरन विच ही ज्यादा जुड़े रहते सन, रिश्तेदारियां उत्ते भी घट ही जाते सन। ज्यों बचन भी है, गुरमूरत मुस्ताक मर मर जीवना, पर हर सबे साक सुरंग रंगीवना। भैन गुरु जी दे कोल भी बाबा जी ने जाना बंद कर दिता सी, पर भैन गुरु जी बाबा जी नूं भरा घट ते रब्बी रूह करके ज्यादा स्नेह करदे सन। उन्हां दे मन विच बहुत आंदा सी कि बाबा जी साडे कोल हुण आउंदे नहीं। फुफड़ जी ने भी बाबा जी दे नाल जवाई वाला रिश्ता घट ते अध्यात्मक संगी वाला रिश्ता ज्यादा रखते सन। उन्हां दे भी मन विच आया करदा सी कि बाबा जी साडे घर नहीं आउंदे। फुफड़ जी ने एक दिन अपने मन की बिरथा बाबा बचन लाल जी दे नाल सांझी कीती। बाबा बचन लाल जी कहते कि मैं बाबा जी दे नाल बचन करांगा। बचन लाल जी ने फिर बाबा जी नूं बचन किया कि बाबा जी गुरु नानक पातशाह जी भी तो अध्यात्मक जीवन वाले सन, पर उन्होंने तो अपनी भैन नूं नहीं छड़िया, तुसीं क्यों छड़ दिता। बाबा जी ये प्रश्न सुन के चुप रहे ते फिर बचन किया कि पुत ठीक है, असी भी गुरु जी दे कोल चले जाया करांगे, पर साढ़े 3 बचन हैं। जे ये 3 बचन उन्होंने मंजूर हैं तो गुरु दे कोल चले जाया करांगे। बाबा जी ने 3 बचन किए। पहला, असी कदे समा दे के नहीं जाना, जेड़े मर्जी समय आइए जाइए। दूजा, साढ़े वास्ते दाल फुलके का कोई वंगरा इंतजाम नहीं करना, जो बनिया होएगा असी भी ओह ही छकांगे। तीजा, तुहाडा दाल फुलका तैयार होवे, थाल च पाया होवे, जे असी कह दिता कि असी चले हाँ तां सानू रोकना नहीं, दाल फुलका छकन लई भी नहीं रोकना। वचन भी है, चल गुरमुख हुकम रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। पुत, ये साढ़े 3 बचन हैं। जे भैन जी होरां नूं ये बचन मंजूर हैं तां असी भैन जी दे कोल चले जाया करांगे। भैन जी होरां ने बाबा जी नूं 7 बचन कहा। बाबा जी फिर भैन जी होरां दे कोल जाण लग पए। बाबा जी बहुत ही वार तकरीबन रात नूं 12-1 बजे ही जाते सन। भैन जी ते फुफड़ जी होरां दे नाल कुछ समा बचन पलाश करने ते घर विच जो कुछ बुरिया होना ओह ही छक लैणा ते वापस आ जाना। भैन जी ने बाबा जी नूं तोरन आना तो बाबा जी ने भैन जी नूं गेट तो बाहर निकलन तो मना कर देना ते बचन करना कि तू साढ़े पिछे नहीं आना। भैन जी होरां ने भी 7 बचन करके बचन मनना। इस तरह भजन बंदगी करते समा बीत रहा सी। माला विखे बीबी रुको जी का डेरा सी। बीबी जी के शरीर छड़ जाण तो बाद डेरे की सांभ संभाल ना हो सकी ते सारे दरख्त फुल बूटे पशुआ ने उजाड़ दिते। ब्यास वाले प्रबंधकों ने भी डेरे वाल कोई ध्यान ना दिता। पाकिस्तान की वंड समय इत्थे डेरे विखे 2 साधु रहते सन ते वंड दौरान हुई हिंसक गोलीबारी में उन्हां दी भी मौत हो गई। उस तो बाद डेरे विखे कोई भी साधु नहीं आया। फिर एक ग्रिश्ती ने डेरे उत्ते कब्जा कर लिया ते इत्थे वेलना ला लिया। पर साधुओं की धरती ते कोई ग्रिश्ती किवें रह सकता है। बीबी रुको जी ते वैसे भी किसी ग्रिश्ती नूं डेरे नहीं रहण दिंदे सन।
थोड़े समय बाद ही उस वेलने वाले सज्जन का नुकसान होना शुरू हो गया ते वह भी डेरा छड़ के चला गया। फिर कुछ जिमीदारा ने इस डेरे वाली जगह उत्ते कब्जा कर लिया ते उन्होंने अपने डंगर लिया के इत्थे बन दिते। डंगरां ने फुल बूटे भी सारे उजाड़ दिते। पिंड वालिया ने उन्होंने बहुत समझाया कि तुसी इत्थे ना रहो, बीबी जी इत्थे किसी गृहस्थी को नहीं रहन देंदे। पर वो अगों आकड़ के कहन लगे कि कोई ना देखी जाएगी, बड़े इदा दे डेरे देखे ने, उन्हां दा भी कुछ नुकसान होया तां वह भी डेरा छड़ के चले गए। ऐसे अहंकारी पुरखां नूं पातशाह भी सेध दिंदे हन कि जे को बहुत करे अहंकार ओ किन मैं रुलता काकू नाल। उन्हां दे जान पिछों डेरा खाली हो गया, पर पिंड वालिया का बीबी जी दे इस अस्थान नाल बड़ा प्रेम सी। वह चाहते सन कि इत्थे बीबी जी की याद में सुंदर अस्थान बने, पर यह जगह ब्यास वाले प्रबंधकों के कोल सी। पिंड दे कुछ सियाने पुरशां ने विचार की कि ब्यास वाले बाबा जी दे कोल जाके बेनती की जाए कि बीबी जी का अस्थान उजड़ता जा रहा है, तुसी उत्थे कोई सेवादार भेजो। बाबा मोता सिंह, सेठ सूरता सिंह, बापू सोहन सिंह, बाबा जी कुली वाले ते पिंड दे एक दो होर सज्जन ब्यास विखे आए। बाबा चरण सिंह नूं बेनती की तो बाबा चरण सिंह कहिंदे कि साढ़े कोल उस जगह उत्ते भेजण वास्ते कोई सेवादार नहीं, असी नहीं उत्थे किसे नूं भेजना। बाबा चरण सिंह ने डेरे दियां कुंजियां भी बाबा मोता सिंह होर अगे सुट दित्तियां कि तुसी आप ही वह डेरा सांभ लवो। बाबा मोता सिंह होर ने सलाह की कि बीबी जी ते किसे गृहस्थी नूं डेरे रह नहीं दिंदे, डेरे की सांभ संभाल कौन करेगा। सारिया ने सलाह करके बाबा जी कुली वालिया नूं बेनती की कि बाबा जी तुहाडे बिना इस डेरे की संभाल हुण होर कोई नहीं कर सकता, बीबी जी ने होर किसी नूं उत्थे रह नहीं देना। बाबा जी ते शामलाट रहिंदे सन, घर बाहर भी छड़ दिता सी, तो बाबा जी ने कुंजियां लैण तों मना कर दिता। पर सारे सज्जना ने बाबा जी नूं बदोबदी डेरे दियां कुंजियां फड़ा दित्तियां। बाबा जी फिर दिन वेले बीबी जी दे डेरे आ जाया करदे सन ते रात नूं पिंड काले विखे चले जांदे सन। बाबा जी ने डेरे की चारदीवारी लई तार मरवा दित्ती ते फुल बूटे ते रुख भी लगवा दित्ते। बड़ी सोहनी डेरे की संभाल होने लग पई, बड़ी संगत का इत्थे इकट्ठ होने लग पिया। सत्संग हुंदा ते बड़ा आनंद बजदा, जैसे वचन भी है कि पूरे भाग हर भगत कराए तथा वट भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। इस अस्थान ते एक गुही हुंदी सी, बाबा जी ने उस गुही दे कोल कखां दी कुली बना ली ते इस अस्थान उत्ते रोजाना ही सत्संग करन लग पए। यह अस्थान भी धर्मशाल ही बन गया, जो वचन भी है इस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। भावें कि यह अस्थान डेरा ब्यास नाल संबंधित सी, पर बाबा जी का जीवन गुरमत ते सिक्खी सिद्धांत नूं समर्पित सी। बाबा जी ने गुरमत ही पढ़ी सी ते गुरमत पढ़ाउण दा ही हुक्म बाबा जी नूं होया सी। बाबा सुंदर सिंह जी ने भी वचन कीता सी कि पुत बाणी ही पढ़ाउणी है, होर कोई उपदेश नहीं देना, आप पढ़नी भी बाणी है ते पढ़ाउणी भी बाणी है। फुल दा काम है कि वह सुगंधी वंडे, दीवे दा काम है कि वह रोशनी देवे, चंदन शीतलता वंडे, कोयल मिठास वंडे। इवें ही गुरसिख भी केवल गुरबाणी ही कमाउंदा ते गुरबाणी ही उपदेशदा है। हंस कदे मान सरोवर नूं छड्ड के नहीं जांदे, बाबा जी दे जीवन दा आधार भी केवल गुरबाणी ही सी ते गुरबाणी दा ही उन्हां ने अगे सब नूं उपदेश कीता सी। वचन भी है अमर श्रवण सिमरन हर कीर्तन ओ हर बिन रह न सको, हो एक खिन
जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। सतगुरु पातशाह जी ने बड़ी कृपा की थी, ते बाबा जी ने बीबी रुको जी दे डेरे विखे शक्ति कोई दे अस्थान उत्ते दीन दुनिया दे रहबर धन 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 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी दे श्री अखंड पाठ साहब करवाने आरंभ कर दिते। दिन रात इस स्थान ते बाणी का प्रवाह चलन लग पिया। एक समय इको श्री अखंड पाठ साहब रखिया जाता ते भोग पाए जाते, भोग उपरंत फिर श्री अखंड पाठ साहब आरंभ कर दिते जाते। आने वाले तकरीबन 10 वरे बाबा जी ने इस स्थान ते रह के बहुत संगत नू गुरबाणी शब्द नाल जोड़िया। यही प्रथम स्थान से जिथे रह के बाबा जी ने गुरबाणी शब्द के खुले भंडारे वरताए, श्री अखंड पाठ साहब के निरंतर प्रवाह चलाए। बहुत संगत ने इस स्थान पर बाबा जी की संगत का लहर उठाया। इसे स्थान पर एक बार श्री अखंड पाठ साहब रखे हुए सन। श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग उपरंत पाठी सिंह आपस में माया वंडन लगे। माया पूरी तरह वंड में ना आई, एक रुपया वध गया। इस करके पाठी सिंघा का आपस में झगड़ा हो गया। जो वचन भी है, काम क्रोध लोभ मोह नित जगरते जगराया। भाई किंदर सिंह जो कि ग्रंथी सिंह की ड्यूटी निभाते सन, बाबा जी दे कोल आए। भाई साहब ने बाबा जी को बेनती की कि बाबा जी माया की बराबर वंड ना होने करके पाठी सिंह आपस में झगड़ा करते हैं, आप जी ही इस विपता का कोई हल करो। बाबा जी भाई इंद्र सिंह नूं कहते कि भाई साहब तुसी पाठी सिंघां नूं कह दिओ कि माया की वंड बाबा जी करनगे। बाबा जी ने यह भी समझाया कि असी एक रुपया जिस करके झगड़ा हो रहा है खूह विच सुट देना है, पर तुसी सानू रोकी जायो कि बाबा जी पैसे खूह विच ना सुटो पर असी सुट देने हैं। जे तुसी ना रोकिया तो शक करनगे कि तुहाडी साडी मिली भुगत है, तो फिर वो तुहाडे नाल झगड़ा करने। भाई इंद्र सिंह बाबा जी नूं सतवचन करके पाठी सिंघां दे कोल आए ते उन्हां नूं कहते कि यह जो माया का झगड़ा पिया है इसकी वंड बाबा जी करनगे। पाठी सिंघां ने भी भाई इंद्र सिंह की इस सलाह नूं मन लिया। बाबा जी आए ते माया की वंड करन लगे ते एक रुपया वध गया। बाबा जी ने रुपया खूही विच सुट दिता। दसे अनुसार भाई इंद्र सिंह ने बाबा जी नूं रोकण की कोशिश की, पर बाबा जी ने फिर भी रुपया खूही विच सुट दिता। एक पाठी सिंह बाबा जी नूं कहिंदा, ओ साधा मैं खून डुंबना भी जानता हाँ, मैं खूही च वड़ के रुपया कढ लियावांगा। बाबा जी ने उसनूं बथेरा समझाया पर वह ना समझिया। बाबा जी भाई इंद्र सिंह होरां नूं कहिंदे कि इस खूही विच काई पैंदी है, इसने खूही विच डुब जाना पर इसने हुण रुकना भी नहीं, इंज करो कि इस दे लक नाल रस्सा बन दिओ। फिर इसे तरह ही कीता गया। भाई इंद्र सिंह होरां ने उसके लक नूं रस्सा बन दिता। वह एक रुपया कढ़न लई खूही विच वड़िया तां पाणी दा दबाव होण कारण उसनूं गोते आउणे शुरू हो गए। दो तीन गोते आए तां फिर रस्से तों खिच के उसनूं बाहर कढ़िया। इतनी माया दी लालसा मनुख नूं इस हद तक लै जांदी कि रतना रूपी शरीर पर बेखंदड़ों की भुल मनुख कोटी बदले गुआ बैठता है। इसकी कोई सार नहीं जानता, वचन भी है, लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाहेगा। तन जो बन का गर्भ न कीजै कागद ज्यों गल जाहेगा। कबीरा एक अचंभ देखियो हीरा हाट बिकाए बड़ जन हरे बहरा कौटी बदल जाए।
कई कई घंटे गुरु पिता जी की गोद में बैठ के बाणी पढ़ी, पर बाणी पढ़ी का की लाभ होया जे एक दमड़े की लालसा भी हिरदा छड़ ना सकिया। एक दमड़े पिछे अणमुले जीवन की बाजी ला दिती, कामना अधीन किते ये धार्मिक कर्मा का भी फिर कोई लाभ नहीं। दो घंटे पढ़ी बाणी का कोई लाभ नहीं जे दमड़े की कामना ही प्रमुख रही। गुरु कलगीधर पिता जी की वचन करते हैं कि कामनाया दीन सदा दामना प्रभी, एक पावना बहीन कैसे पावे जगदीश को। गुरु पिता जी भी गुरबाणी अंदर बख्शिश करते हैं कि लालचवश किते सब कर्म ने फुला, मेहनत भी की खटिया भी कख ना। ये कर्म इवें हैं जिमें मनुख चौलों के तोहों ही गुटता हो, जिस उत्ते भावें जिनी मर्जी मेहनत कर लवे पर दाने नहीं निकलते। इसे तरह ही लालचवश किते कर्मों विचों कोई लाभ नहीं निकलता, अंत पछतावा ही रह जाता है, अंत दुख ही मिलता है। वचन है अंतर लोभ महागुबारा ओह कुट दुख खाए। बाबा जी ये भी वचन करते सन के पुत लोड़ा की सीमा है पर लोभ की कोई सीमा नहीं, सीमा तो वध्या होया लोभ ही मनुख के दुख का मूल कारण है। लोड़ हर एक की पूरी हो जाती है पर लोभ तृष्णा वड्डे वड्डे महाराजों की भी पूरी नहीं होती। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकी तृष्ण न पुजी, लभ रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सुजी। बाबा जी जब साखी संगत को सुना रहे सन तो कोल बैठी संगत के मन में विचार आई कि काई किसनू कहिंदे आ। अंतरजामी महापुरख आप ही बोल पाए कि पुत खूह का एक पासा बैठा होंदा है नीवा होंदा है, उस पासे पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होंदा है, जो दबाव बंदे नू अंदर नू खिंचदा है इसनू काई कहिंदे आ। मस्या के दिहाड़े ते तरन तारन जाणा, बाबा जी गुरधामा के दर्शन करने लिए भी जाते रहते सन। गुरद्वारा दरबार साहब तरन तारण साहब विखे मस्या का दिहाड़ा बहुत भरदा सी। इस दिहाड़े ते बहुत संगत गुरद्वारा साहब विखे नतमस्तक होने लई आउंदी सी। बाबा जी भी सतगुरु पातशाह जी के पावन स्थान से हर मस्या के दिहाड़े ते आउंदे सन। सतगुर पातशाह जी के चरणों में हाजरी भरनी ते गुरबाणी का कीर्तन आनंद मानना। ज्यों वचन भी है से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, ओ पल तिन संग पचाना जियो। कई बार तो बाबा जी साइकिल से तरन तारण विखे जाते सन, कई बार रेल गड्डी ते चले जाते होंगे सन। बोरी वाला चोला पा, एक बार बाबा जी एक सिंह के नाल मस्या के दिहाड़े उत्ते रेल गड्डी ते गुरद्वारा दरबार साहब तरन तारण साहब विखे दर्शन करन लई आए। गुरद्वारा साहब विखे दर्शन दीदारे किते ते फिर वापस रेलवे स्टेशन वाल चल पाए। रस्ते में फुटपाथ उत्ते एक लवारस मृतक देह पई हुई सी। बाबा जी मृतक देह दे कोल आए। बाबा जी ने साथी नूं वचन कीता कि सिंघा इस दी सेवा कर लै, सतगुरु ने सेवा का मौका बख्शिया। फिर वह कितों बाल्टी लभ के पानी भर के लियाया। बाबा जी ने उस मृतक का सारा शरीर अपने हत्थी चंगी तरह मलमल के साफ किया, उसनों इशनान करवाया। इशनान करा के बाबा जी ने अपने गल का चोला उतार के उस मृतक नूं पा दिता। वचन भी है सुहावेस सब उतार करे, गल पहर किवा सिगार पीए सहुरे पोसो बापाए, तिस पूज करे सब सहसार। और लाई किस दी नार ले, जिस रावे सिर जनहार, नानक गुरमुख सदा सुहागनी, जिस अवनासी पुरख पर तार।
साफ जगह ते उसकी देह नूं रख के उस उपर अपनी चिट्टी लोई पा दित्ती। होर भी सज्जन इकट्ठे हो गए ते प्रशासन भी पहुंच गया। बाबा जी ने उस मृतक देह नूं दंडौत करके नमस्कार कीती ते उस कोलों माफी मंगी के भाई साहब मैं आप जी की कोई सेवा नहीं कर सकिया, मैनू गरीब नूं मुआफ कर देना। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह। बाबा जी फिर उस सिंह नाल रेलवे स्टेशन वाल तुर पए। बाबा जी नूं सिर्फ कचहरे विच देख के उस सिंह कहिंदा कि बाबा जी तुसीं मेरा कुर्ता पा लो। बाबा जी ने उसका कुर्ता लैण तों मना कर दिता। थोड़ा कु अगे रेलवे स्टेशन ते आए तो उत्ते प्लेटफार्म ते एक मैली जी बोरी पई हुई सी। बाबा जी ने वो बोरी झाड़ के उस विचों गला कट के अपने गल पा ली। फरीदा पाड़ पटोला तज करी कंबलड़ी पैर ओ, जिन्नी वेसी सौ मिले सेई वेस करे ओ। बाबा जी उस सिंह नूं कहंदे के भाई तू कहता है कि मेरे बस्तर लै लवो, आ देख साडा चोला ते तेरे चोले तो ही सोहना है। ऐसे जमाने सतगुर च वचन भी है, तियो निमाना सतगुर बाणा सगला आप मिटाई है। तथा गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है। बाबा जी की इतनी निम्रता देख के उस सिंह भी बड़ा हैरान होया ते बराग विच उसने बाबा जी नूं नमस्कार कीती। इस तों बाद बाबा जी ने फिर बोरी दे कपड़े दा चोला बना के पाउणा शुरू कर दिता, जो बाबा जी तकरीबन शरीर करके सारी उम्र पाउंदे रहे सन। इसे तरह ही बाबा जी तरन तारण विखे आए हुए सन। एक जज जो तरन तारण दा रहण वाला सी, उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का खुला अपाठ अपने घर विखे दुआरे उपर रखवाया होया सी, पर जज के परिवार का कोई भी मैंबर उस कमरे में ना बाणी सुनन लई बैठता सी ते ना ही कदे कोई गुरु साहब जी नूं मत्था टेकण जांदा सी। जज साहब आप भी कदे कोई घड़ी बाणी सुनन लई नहीं बैठे ते ना किसी ने किसी भी प्रकार की कोई सेवा की। गुरु पातशाह भी गुरबाणी अंदर वचन करते हैं कि असी जीव दिखावे खातरे धार्मिक कर्म करता लेंदे हाँ, पर सानू इन्हां दी कदर करनी नहीं आती। इस सर्व सुचे कर्म साडे निफल ही चले जाते हैं। देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए, जन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए। हर गुण गावे हर नित पड़े, हर गुण गाए समाए, नानक तिन की बाणी सदा सच है, जे नाम रहे लिवलाए। जिस धार्मिक कर्म दे विच साडा मन नहीं हाजर, साडा कोई प्रेम नहीं, वो धार्मिक कर्म भी फिर दरगाही लेखे विच नहीं आता। वो कर्म निफल है। करम धर्म जुगता निमकना हेत करता, गर्भ गर्भ पड़ा कहीं ना लिखै। रत्ती सिंह ने भी रोज मेरे जाज साहब के घर आना ते गुरु साहब जी का प्रकाश करके नितनेम कर आया करना ते शाम वेले श्री रहरा साहब जी का पाठ करके गुरु साहब जी का सुख आसन कर देना, पर पाठ उसने भी कोई ना करना। जज साहब ने जदों भी ग्रंथी सिंह नूं पुछना कि भाई जी पाठ का भोग कदों पाउणा है, तां ग्रंथी सिंह ने जज साहब नूं कहना कि जज साहब जदों कहोगे भोग पा देंगे। ऐसे शरदा तो हीने धार्मिक कर्मा बारे पातशाह वचन करदे हन कि अस मनसा बंदनी पाई करम धर्म बंदकारी, पाप पुन जग जाया पाई बिन सह नाम विसारी। फिर एह माया जग मोनी पाई करम सफे वेकारी। तरन तारण विखे वह ग्रंथी सिंह बाबा जी नूं मिलिया। उसने बाबा जी नूं जज साहब दे घर रखे हुए पाठ की सारी विद्या सुनाई। बाबा जी नूं यह भी दस्या कि बाबा जी
जे उन्हां विचों कदे कोई पाठ सुनन नहीं आया तां गुरु साहिब जी दा अंग मैं भी कोई नहीं पढ़िया। जट साहब जद भी मैनू पुछदे हन कि पाठ दा भोग कदों पाउणा है तां मैं भी आख दिंदा कि जद कहोगे पा देवांगे। बाबा जी ग्रंथी सिंह नूं कहिंदे कि चलो ग्रंथी साहब अज जज साहब दे घर भोग पा ही आउंदे आ। बाबा जी ग्रंथी सिंह नूं नाल लै के जज साहब दे घर आए। ग्रंथी सिंह ने कड़ा प्रशादी देग तैयार करन लई जज साहब नूं देसी घिओ लिआ लो कहा। जज साहब कहिंदे कि बाबा देसी घिओ ते लग्गा। ग्रंथी साहब कहिंदे कि हाँ जी बाबा देसी घिओ ते लग्गा। कड़ा प्रशादी देग तैयार करके पाठ दे भोग पाए गए। जज साहब ग्रंथी सिंह दे कोल आया ते पुछण लगा कि भाई जी पाठ चंगा हो गया है। ग्रंथी साहब कहिंदे कि जज साहब मैं तो पता नहीं चंगा होया जां की होया, आ महापुरश आए ने इन्हां नूं पुछ लवो कि पाठ किवें दा होया। जज साहब ने बाबा जी नूं पुछया तां बाबा जी कहिंदे जज साहब तुसीं पढ़े लिखे हो सियाणे पुरश हो, पंक्ति असीं पढ़ दिंदे हाँ अर्थ तुसीं कर लिओ। बाबा जी ने पंक्ति पढ़ी गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर भजनना जेह बिद जल को मीन। जज साहब कहते कि बाबा जी इसके अर्थ तो सौखे जय ही हन के गोविंद दे गुण गाए नहीं इसलिए जन्म व्यर्थ ही गवा लिया। बाबा जी कहते कि जज साहब फिर ना भाई पढ़िया ना तुसीं सुनिया कादा धरो यकीन, कादा यकीन रखते हो। फिर जज साहब सियाने पुरश सन बाबा जी का इशारा समझ गए ते उन्होंने अपनी भुल की मुआफ़ी मंगी। जज साहब ने फिर दोबारा श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाया ते सारे परिवार ने अपने हत्थी आई संगत की लंगर पानी की सेवा की ते आप बैठ के बाणी भी सरवण की। जज साहब ने प्यार श्रद्धा नाल श्री अखंड पाठ साहिब की बाणी सुन के गुरु नानक पातशाह जी दियां खुशियां लईयां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।